हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फॉरगॉटन मैन ऑफ कश्मीर। ये एक्चुअल में जो आर्टिकल है, इट इज़ अबाउट दिनेश्वर शर्मा। इनका आपने नाम सुना होगा, ये फेमस हुए थे जब ये इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट किए गए थे। इंडियन गवर्नमेंट ने इनको इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट किया था बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ कश्मीर और वेरियस सेक्शंस ऑफ कश्मीर। तो इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मर आईबी के चीफ रहे हैं और ये आईपीएस ऑफिसर हैं 1979 बैच के। और इसके अलावा इन्होंने पहले असम बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उनसे भी इन्होंने जो है इन गवर्नमेंट की बातचीत करने में हेल्प करी थी। उसके बाद में इनको ये कश्मीर की जॉब दी गई, कश्मीर में बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले जब वहाँ पर बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट थी जम्मू एंड कश्मीर में, तब जब इनकी विजिट्स होती थी वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड होती थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती थी और बहुत ज़्यादा उनकी पब्लिसिटी होती थी। गवर्नमेंट इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी और मतलब हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनकी जो है मीटिंग्स होती थी। ये तब जाते थे तो एकदम मालूम पड़ता था कि भाई दिनेश्वर शर्मा पहुँचे हैं और अब बातचीत शुरू होगी, अब ये होगा अब वो होगा। लेकिन ये आजकल भी जाते हैं लेकिन साइलेंट विजिट्स होती हैं इनकी, अब ना कहीं न्यूज़ में आएगा, कब ये गए कब लौट करके आ गए कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इनका जो केस था, इन्होंने गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, उन रिकमेंडेशंस को जो गवर्नमेंट है उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने। जैसे कि इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी इमोशनल अपसर्ज के बारे में, इन्होंने कहा था कि जो फ्यूनरल प्रोसेसेंस होती हैं, जब भी कोई जो लोकल पर्सन है जो कि आपका किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट हो गया, तो जब एनकाउंटर में उसकी डेथ होती है या फिर रेड होती है, वो पकड़ा जाता है और जब उसकी डेथ होती है, तो जब उसकी फ्यूनरल प्रोसेसन होती है तो वहाँ पर इमोशनल अपसर्ज होता है। इमोशनल अपसर्ज में बहुत सारे जो यूथ होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, उसके जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, दे गेट मोटिवेटेड टू जॉइन द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट होते हैं तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को न्यू यूथ्स को रिक्रूट करने में मदद मिलती है, आसानी से उनको नए नए यूथ्स मिल जाते हैं। तो इन्होंने ऐसा बोला था कि गवर्नमेंट को जो है रेड्स, एनकाउंटर्स, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है इनकी बात नहीं मानी। तो इसकी वजह से इन्होंने जो अपनी विजिट्स थी उनको साइलेंटली करना शुरू कर दिया। एक तो ये वजह है। दूसरा क्या है कि यहाँ जो ऑथर हैं उनको ऐसा लगता है कि इनका जो रोल है वो अनडिटरमिंड हो गया। रोल क्यों अनडिटरमिंड हो गया? अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि आर्ट ऑफ लिविंग जो है न्यूज़ में थी। आर्ट ऑफ लिविंग ने जो है नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी मीटिंग अरेंज करवाई थी विद सेपरेटिस्ट लीडर्स इन कश्मीर। तो इसमें दिनेश्वर शर्मा से का कोई भी रोल नहीं था, AOL डायरेक्टली इन्वॉल्व था और AOL के जो फाउंडर हैं श्री श्री रविशंकर, आपको मालूम है कि जो इन गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो हाई होल्डिंग पोस्ट वाले ऑफिशियल्स हैं, वो कितना फॉलो करते हैं। तो ऐसे केस में ऐसा लग रहा है कि शायद उनका जो रोल है वो अनडिटरमिंड है, AOL को अनऑफिशियली ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं, ऐसा कुछ। हालांकि इन चीज़ों को बाद में डिनाई किया गया है और मिस्टर शर्मा ने भी इस पर जो है कोई भी कमेंट नहीं किया है। इस तो ये वाली बात है। फिर क्या है, यहाँ पे देखिए ऑथर ने बताया है कि जो मलिक हैं, अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा, उनका कह रहे थे कि हो सकता है कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, वो गवर्नर ना रहे वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंटली एक्ट किया है। तो यहाँ पर जो पावर सर्कल्स हैं वहाँ से न्यूज आ रही है कि हो सकता है जो दिनेश्वर शर्मा हैं वो शायद जो है, अगर वो हटते हैं सत्यपाल मलिक, तो उनकी जगह उनको जो है गवर्नर बनाया जा सकता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच, बट ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा हम एक दो बातें और करेंगे इसमें। देखिए, ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन, इस ट्रेन का नाम है ट्रेन 18 और ये कोटा से लेकर के सवाई माधोपुर वाले सेक्शन में इसका जो है ट्रायल टेस्ट किया गया है। 180 किलोमीटर की स्पीड तक जा सकती है ये, और इसकी खास बात ये है कि 180 किलोमीटर, आई मीन इट वुड बी द एवरेज स्पीड,
ये जो है शताब्दी को रिप्लेस कर सकती हैं। खास बात इसकी ये है कि इसके जो अल्टरनेट कोचेज हैं उनमें जो है मोटर लगाई गई है, ठीक है, ताकि जो है जो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली हो सके, यूनिफॉर्मली हो सके। इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो है यूज़ किया जाएगा और जनवरी 2019 तक हो सकता है इनका कमर्शियल ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाए। सो ट्रेन 18 इज़ अ फेमस ट्रेन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2019। अब ये देखिए आर्टिकल्स हम बात करते हैं तो ये एक आर्टिकल है जो अर्बन नक्सलिज्म के ऊपर है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इसमें क्योंकि इसमें कम्प्लीटली अगेंस्ट गवर्नमेंट है और हमें ऐसी ओपिनियन अपने पास नहीं रखनी चाहिए, वी मस्ट हैव अ बैलेंस ऑफ ओपिनियन। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बाइस्ड आर्टिकल है, बट कुछ चीज़ें हम यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि जहाँ भी हमें फेवर में या अगेंस्ट में बोलना है तो एक ना एक उसका पॉइंट तो मिल ही जाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने लायक है। बेसिकली इस आर्टिकल में ऑथर ने एक सॉन्ग उठाया है, वो सॉन्ग जो है गवर्नमेंट ने जो अभी अर्बन नक्सलिज्म की बात उठाई थी जिन जिन लोगों को इम्प्लीकेट किया था बेसिकली उन लोगों के जो है धज्जियां उड़ा देता है ये सॉन्ग, तो बस इसी की तारीफ की है उन्होंने पूरे में। फिर कुछ जो है फिलोसोफर्स की बात की है और कुछ जो है फ्रेज भी यूज किए हैं, ये हालांकि पॉलिटिकल है तो हमें यूज नहीं करने होंगे ये, सो वी विल गो अहेड। फिर इसके अलावा इस न्यूज़पेपर में हम बात करेंगे, देखिए ये पेरिस में अभी राइड्स हुए, हुआ क्या है फ्रांस में कि फ्रांस जो गवर्नमेंट है जो मैक्रन है वहाँ के इमैनुअल मैक्रन प्रेसिडेंट हैं, क्या हुआ कि डीजल में टैक्सेस बढ़ा दिए, तो डीजल टैक्सेस जब राइज हुए तो वहाँ के जो पब्लिक है उन्होंने राइड्स कर दिए, वहाँ पर उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। ये जो राइड्स हुए इसका नाम जो है वो येलो वेस्ट मूवमेंट के नाम पर है, येलो वेस्ट। अब देखिए खास बात क्या है इस मूवमेंट की कि इस मूवमेंट का कोई भी लीडर नहीं है, नो लीडर। तो जैसे अपने यहाँ इंडिया में अभी कुछ दिन पहले SC ST एक्ट को लेकर के कुछ जो मूवमेंट्स हुए थे जो लीडरलेस थे, बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट है ये येलो वेस्ट मूवमेंट जो कि लीडरलेस है। अच्छा इसके दो ही उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, मतलब गवर्नमेंट की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है लीडरलेस मूवमेंट में, आखिर हम बात किससे करें, हम सेटलमेंट करें किससे, तो इसमें दो पॉइंट्स बताए थे, एक तो टैक्स ऑन डीजल वाला और दूसरा आपका ये था कि जो रिच या जो वेल्दी पर्सन्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं ऐसा गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहा कि जो बिजनेसेस हैं वो एक्चुअली क्या है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, तो अगर हम उनसे टैक्स कम लेंगे तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है वो मान नहीं रही है तो उन्होंने जो है येलो वेस्ट के नाम से ये मूवमेंट कर दिया है, ये बहुत तगड़ा मूवमेंट है, मीन्स वायलेंस भी हो रही है इसके अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।